नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। शुक्रवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन की खबर के बाद जो है पूरे देश में जो है शोक की लहर थी। तमाम लोग देखना चाहते थे, आखिरी बार अंतिम विदाई देना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को भी भीड़ जुटाने से या जमावड़ा लगाने से मना कर दिया था, जिसको लेकर के तमाम केंद्रीय नेता भी जो है प्रधानमंत्री मोदी के पास उस वक्त गुजरात नहीं गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मां के निधन के बाद जो है पूरे भाजपा खेमे में और मोदी समर्थकों में जो है एक तरीके से शोक की लहर यहां पर दौड़ गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा शोकाकुल हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। इस पर देश की राष्ट्रपति, जी हाँ, देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी ट्वीट किया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर जो है गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि एक व्यक्ति के सर पर से मां का साया का चले जाना बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गहरे दुख को झेलने के लिए जो है यहाँ पर गहरा दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है, जिसके लिए उनको हिम्मत की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि अपनी माँ के बेहद ज़्यादा करीब थे, इस वजह से देखिए कि उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कमी ज़रूर से महसूस होगी। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।